इन्हीं से पूछा जाए जो बाहर भाग के वहां पे जा रहे हैं हाथरस, ये राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? क्या राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है? बेटियां तो सांझी होती हैं। अगर जो महाराष्ट्र में दिशा सालियान के साथ जो अपराध हुआ, घिनौना अपराध हुआ, घिनौना कर कुकर्म हुआ, क्या वो बेटी नहीं थी? महाराष्ट्र सरकार क्यों सो रही है? या और जो लोग अभी बड़े उत्सुक है, राजनीति खेल रहे हैं, जो रोटियां सेक रहे हैं राजनीति की, वो आज कहां बैठे थे? इतने 100 दिन हो गए दिशा सालियान को गए हुए, क्या उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पे बात करी है या कभी आवाज उठाई है? दिशा सालियान की बेटियां तो सबकी सांझी होती है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जहां जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मैंने विक्टिम का वीडियो देखा है, विक्टिम की माँ का वीडियो देखा है, FIR देखी है जो उसके भाई ने करी है, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है जिसमें सब जगह सिर्फ एक ही बात है कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से डेथ हुई है, रेप नहीं हुआ। उनकी मां ने तो यहां तक कहा कि मेरी बेटी का गला दबाया संदीप ने। तो चार लड़कों का कैसे नाम मीडिया बदनाम कर रही है, कैसे कह रही है कि रेप हुआ है? हमें तह तक पहुंचना पड़ेगा जिस ने इसमें एंगल डाला है रेप का, इसका मतलब कि उनकी राजनीतिक रोटियां सिक रही थी, उनकी राजनीति चमक रही थी, इसीलिए उन्होंने इसमें रेप का एंगल इंसर्ट किया गया। शर्म आती है, धिक्कार इन भेड़ियों के ऊपर जो बेटियों को सुरक्षा तो कभी दे नहीं पाए लेकिन राजनीति खेल रहे हैं, उस परिवार को शर्मसार कर रहे हैं, उस बेटी की मृत्यु पे खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बेटी हमारे साथ नहीं है उसको भी शर्मसार कर रहे हैं, बार बार रेप का नाम देके। जब बेटी ने खुद कहा मेरे साथ रेप नहीं हुआ तो कैसे आप कह सकते हैं रेप हुआ है? शर्मनाक घटना है। मैं लगातार इसके ऊपर अपनी आवाज उठाती रहूंगी और इन नेताओं का बहिष्कार करती हूँ जो रेप जैसे सेंसिटिव इश्यू पर राजनीति खेल रहे हैं। थैंक यू।